हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएचयू पाठशाला चैनल में स्वागत है। दोस्तों, बीएचयू पाठशाला एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर से पूरा इंट्रो बनाने में टाइम लॉस जाएगा, तो मैं सीधे अपने टॉपिक पे आता हूँ कि बीएचयू बीए एंड सोशल साइंस के कोर्स मैंने स्टार्ट कर दिया है। मैं एजी के मेंटल एबिलिटी का भी कोर्स स्टार्ट कर दिया हूँ। कल से मैं केमिस्ट्री का भी अपना लेक्चर बीएससी एजी मैथ और बायोलॉजी के लिए स्टार्ट कर दूं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि मेरा जो फर्स्ट पार्ट है, बहुत लोगों ने देखा है, उसका 5 मिनट लगभग 40 घंटा तक गया है, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि कम से कम लोगों ने इस वीडियो को देखा है, इसका मतलब लोगों ने पसंद किया। हाँ, एक बात और बोलना चाहूंगा कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज उस वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगे, क्योंकि जब दूसरा कोई विजिट करेगा तो कम से कम पता चलेगा तो हाँ वीडियो है कैसा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा है जिस वजह से हर कोई नहीं चाहेगा कि उस वीडियो को पूरा देखे, ठीक है। फिर अब बात करते हैं इंडस्ट्री सिलेक्शन का सेकेंड पार्ट। पहले पार्ट में मैं फिर से बार रिकैप कराता हूँ, बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ा, उसमें 5 सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा, जो कि पृथ्वी पे कहाँ कहाँ पे थी, कौन से नदी के किनारे थी मैंने पढ़ा, इंडस सिविलाइजेशन के और कितने नाम थे और नाम का रीजन क्या था वो मैंने बताया, मीन्स काफी चीजें उसमें हो गई थी। जो लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं जाकर उस वीडियो को पहले देख लें, फिर इस वीडियो पे आए, और जो डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहा है वो पहला पार्ट भी इस वीडियो को जाकर देख लेगा, ठीक है। जब दोनों पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो मींस जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आज रात 9 बजे आपको इस चैप्टर से रिलेटेड 100 क्वेश्चन रात को 9 बजे लाइव आके मैं कराऊंगा, और उम्मीद करता हूं कि सभी लोग जाके अभी प्लेलिस्ट में जाके जो 100 क्वेश्चन का जो वीडियो अभी रिमाइंडर में लगा हुआ है उसको जाकर रिमाइंडर ऑन कर लीजिए कि 9 बजे जब वो वीडियो प्रीमियर ऑन हो तो आप सभी लोग उस वीडियो को देखें और उसका आंसर दें, ठीक है। तो चलिए आज मैं अपने सेकंड टॉपिक पे बात करता हूँ। मैं आपको जितनी चीजें बताया हड़प्पा सभ्यता इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी नाम है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे प्लेसेस हैं, ठीक है, तो मैं पहले ही लिख रखा हूँ खुद को समझने के लिए और आपको समझाने के लिए। अब आप मेरी बातों को सुनिएगा और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मे भी फ्रेम में पूरी चीजें नहीं आ रही हूँ, लेकिन कोशिश कीजिए कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप नोट डाउन करते चलिएगा, हो सकता है वीडियो आपको एक दो बार देखना पड़े। तो मैं पहले क्लियर कर दूंगा कि जो डेटा लिखा गया है वो एकदम फैक्ट है, करेक्ट है, इसमें कोई भी गलती होने के चांसेस नहीं है, ठीक है। उसके बाद जिसको भी ऑनलाइन स्टडी मटेरियल मुझसे परचेजिंग करनी है, वो पैसे पे है, बहुत कॉस्ट नहीं है, वो कॉल करके या मुझे मैसेज करके बोल सकता है, मैं अपना नोट्स उसे दे सकता हूँ पीडीएफ बना के, ठीक है। अब मैं अपने टॉपिक पे आ जाता हूँ। तो मेरा टॉपिक था, मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ सेकेंड पार्ट में, प्लेस डिस्कवरी ईयर और रिवर और प्रेजेंट प्लेस और एविडेंस, साच वर्तमान स्थान, नदी, सन, खोजकर्ता और स्थान। तो मैं स्थान वाइज पूरा, प्लेस वाइज पूरा इंट्रो बताऊंगा कि उस प्लेस से जुड़े कौन कौन से फैक्ट हैं। तो जो सबसे पहला मेरा मुद्दा है वो है हड़प्पा, हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को, और हड़प्पा पहला प्लेस था जो सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया था, और इसको खोजा कौन था, दयाराम साहनी ने 1921 में खोजा था, फिर 1924 से कंटिन्यू माधव स्वरूप ने किया, इनका पूरा नाम है माधव स्वरूप, ठीक है। और दयाराम साहनी ने 1921 में इसको खोजा, और ये जो हड़प्पा सभ्यता है मीन्स हड़प्पा जो प्लेस है ये रावी नदी के किनारे है, ठीक है, और ये वर्तमान में जो है पाकिस्तान के मुंडमंगरी जिले में है, ठीक है, पाकिस्तान के मुंडमंगरी जिले में है, और यहाँ हड़प्पा एक प्लेस है, हड़प्पा सभ्यता भी नाम है लेकिन हड़प्पा एक प्लेस है पाकिस्तान में। तो यहाँ से जो प्राप्त एविडेंस है उसमें सबसे पहला मैंने यहाँ लिखा है स्वास्तिक। तो मैं आपको बता दूं कि आज जो स्वास्तिक हम घरों पे बनाते हैं ये बहुत पहले से हमारे बीच में है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमारे पास है, और ये सूर माना जाता है। तो स्वास्तिक का जो साक्ष्य मिला है वो इंडस सिविलाइजेशन में ही मिला है। फिर दूसरा है R37 लिखा है मैंने, देखिए आप ऐसा मत सोचिएगा कि स्क्रीनशॉट ले लेंगे आपका प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सी चीजें मुझे समझानी भी है, तो जाहिर सी बात है कि वीडियो को आपको पूरा देखना ही पड़ेगा। तो R37 जो है कब्रिस्तान है, वहां पे एक R37 नाम का कब्रिस्तान मिला है, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि R37 रिलेटेड है, तो आप समय में आपको हड़प्पा दिख जाएगा, ठीक है, और ये क्या है तो कब्रिस्तान है। फिर देखिए शंख पर बना बैल, शंख जैसा बैल ऐसा कुछ, शंख पर बना बैल एक साथ यहाँ पे मिला है, और यहाँ पे उर्वरा देवी की मूर्ति मिली है, उर्वरा देवी मतलब उनके पेट से एक पौधा निकल रहा है, ठीक है, मतलब पालन करते वाली देवी। यहाँ से एक अन्नागार मिला है, गेंद्री मिली है, और एक पुरोहित की मूर्ति मिली है, पुरोहित मतलब जो पूजा पाठ कराते हैं, पुरोहित की मूर्ति मिली है। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सामाजिक व्यवस्था था वो 4 भागों में बटा था, जैसे हम सुनते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वैसे इनके टाइम में बटा था पुरोहित योद्धा व्यापारी और श्रमिक। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि इनका जो समाज था वो कैसे बटा था, तो पुरोहित
और योद्धा और व्यापारी और श्रमिक, ठीक है। ये देखिए ऋषभदेव, ऋषभदेव कौन था? जैनिज्म के फाउंडर, पहले तीर्थंकर थे जिन्होंने जैनिज्म की स्थापना की थी, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। और जैनिज्म में टोटल कितने तीर्थंकर है? 24 तीर्थंकर है, सबसे लास्ट महावीर स्वामी और 23rd पार्श्वनाथ, ठीक है। फिर यहाँ पे मिट्टी की मुहर मिली है, कहाँ पे? हड़प्पा की, हड़प्पा जो प्लेस है वहां पे मिट्टी की मुहर मिली है। और टेराकोटा की एक मूर्ति मिली है, टेराकोटा की एक मूर्ति मिली है, आप नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं बात करता हूँ सेकंड प्लेस मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो जो है इसके जो डिस्कवरी किए हैं वो है राखलदास बनर्जी। और जो ईयर है वो है 1922। किस नदी के किनारे है? तो सिंधु। और जो वर्तमान स्थिति है वो सिंधु लड़काना जिला पाकिस्तान, ठीक है, सिंध प्रांत के लड़काना जिला और पाकिस्तान में पड़ता है। और यहाँ से जो एविडेंस मिले हैं वो है सबसे बड़ा अन्नागार मिला है और 2 मंजिल का भवन मिला है। और यहाँ से डांसिंग गर्ल मिली है, आप वीडियोज में भी देखे होंगे, मीन्स कई बार एनसीईआरटी के बुक पे भी एक फिगर बना हुआ है, एक डांसिंग गर्ल है जिसके एक हाथ में बहुत सारी चूड़ियां हैं, उसकी जो साइज है 4.5 सेंटीमीटर है और वो एक ब्रॉन्ज की बनी मूर्ति है। ये एक बहुत बड़ा एविडेंस है जो कि मोहनजोदाड़ो से मिली हुई है, ये आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन आपका आता है। और यहां से कपास और सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है, जो कपास मिला था सूती कपड़े का साक्ष्य मिलना भी जाहिर सी बात है। उसके बाद पार्श्वनाथ, जो जैनिज्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनकी मूर्ति मिली है, पशुपति की मुहर मिली है जिसपे 4 विशेष जानवर थे, कौन था? तो वो था भैंस, हाथी और गैड़ा और बाघ। मैं आपको 2-3 चीजें और यहां बताना चाहूंगा, गंगा, शेर और उसके बाद लोहा, ये तीनों चीजें इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेशन नहीं रखती है। कभी भी आपको ऑप्शन में दिख जाए ऐसे कुछ चीजें कि ये कौन अलग होगा, मीन्स अगर आपको कभी 3-4 धातु हो और उसमें लोहा दिख जाए तो 100% लोहा नहीं होगा। आपको 3-4 नदियां लिखी हो और उसमें गंगा दिया हो तो गंगा आंसर नहीं हो सकता है। और जितने भी जानवर मिले हैं उसमें आपको शेर का जिक्र नहीं मिलेगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ चमुंद्रो, ठीक है, चुन्नो दड़ो, एक बहुत फैंटास्टिक प्लेस है, यहां से मिला है फैशन की बहुत सारी साजो सजावटों के सामान है, ठीक है। तो इसके जो डिस्कवरी है वो है अर्नेस्ट मैके या फिर गोपाल मजुमदार। अर्नेस्ट मैके जो है इनके दिशा निर्देश में गोपाल मजुमदार, मीन्स जी मजुमदार, ठीक है, नोट कर लीजिए, जी मजुमदार ने इसकी डिस्कवरी किया। कब किया? 1934 में किया। और ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी है, सिंध प्रांत के पाकिस्तान में प्लेस पड़ता है। और यहाँ से जो मिली है चीजें वो है लिपस्टिक, ठीक है, लिपस्टिक और कंघी और 4 पहिए वाली एक खिलौना, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से मिला है मनका, मनका मतलब जिसका माला बनता है, मतलब यहाँ से वही सभी चीजें मिली हैं जो एक सजने धजने में चीजें यूज होती हैं, जैसे माला मिला है, लिपस्टिक मिला है, कंघी मिला है, ये सब चीजें। अलंकृत हाथी मिला है, मीन्स एक गिफ्ट वाली चीज, जैसा कि मतलब जैसे साउथ में हाथी होती है, ढेर सारा सजाया गया होता है, वैसे हाथी मिली है। और यहाँ पे वक्राकार ईंट मिला हुआ है, गोला ईंट मिला हुआ है, ऐसा साक्ष्य मिलता है कहां से? चुन्नूदड़ो से। अब हम बात करते हैं कालीबंगा, कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है वो है, सॉरी, कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है वो है आपका, सॉरी डिस्टर्ब मत करो, देखो ठीक है, कालीबंगा जो है इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है आपका, भुला देते हो यार, कोई बात नहीं मैं कंटिन्यू कर लूंगा। तो देखिए कालीबंगा जो है इसका मतलब होता है काले कंगन या काले चूड़ियां, ठीक है। ये जो खोजकर्ता है ये है अमलानंद घोष, ठीक है। और जो सन है 1951 और कौन सी नदी है? घग्गर नदी है और राजस्थान के भाग, सॉरी राजस्थान भारत में पड़ता है, भारत के राजस्थान में पड़ता है। और यहाँ से जो चीजें मिली है, एक बार फिर से बता दूं कि जो कालीबंगा है, ध्यान में रखिए कि कालीबंगा से कौन कौन सी चीजें मिली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है जूते हुए खेत। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। यहाँ से युगल अंत्योष्टि संस्कार, मीन्स देहावसान, 2 लोगों के एक साथ जलाए जाने, दफनाए जाने का यहाँ से क्या मिलता है? साक्ष्य मिलता है। यहाँ से बेलनाकार मोहरे मिलती है, मीन्स बेलनाकार मोहरे मिलती है। यहाँ से मिलती है आपके कच्चे घर मिलते हैं और यहाँ से मिले हुए खिलौने, टॉयज मिले हुए हैं। और यहीं पर मिलते हैं आपके ऋषभदेव तांबे की मूर्ति, ऋषभदेव की तांबे की मूर्ति मिलती है जो कि जैनिज्म से रिलेशन रखते हैं। इस तरीके से मेरा कालीबंगा कंप्लीट हुआ। अब मैं बात करूंगा लोथल,
लोथर वन इज द ऑल्सो इंपॉर्टेंट प्लेस इन द इंडस में सिविलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है लोथल। सीधे पहला क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो लोथल होगा, ये गुजरात में पड़ता है। चलिए इसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो एस आर राव ने इसका डिस्कवरी किया, 1955 में इसका डिस्कवरी हुआ, बोगा नदी के किनारे पड़ता है और वर्तमान अहमदाबाद गुजरात भारत में प्लेस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहां से कौन कौन सा साक्ष्य मिला है लोथल से। तो सबसे पहले पोर्ट है, पोर्ट मतलब इसके कंटेम्पोरी, इसके साइमल्टेनियसली, इसके समकालीन जितनी सभ्यताएं थी वहां से इनका ट्रेड होता था। ट्रेड करने के लिए नदी का किनारा, गुजरात सबसे अच्छा प्लेस था। गुजरात के कच्छ में पोर्ट क्या है, लोथल है, जहां से ये लोग व्यापार किया करते थे। ठीक है, और यहां से मिला है धान और बाजरे का साक्ष्य मिला है। यहां से मिला है एक ब्रॉन्ज का डॉग, ठीक है, कांस्य का कुत्ता मिला है यहाँ से। फिर यहाँ से मिला है आपका कंपास मिला है यहाँ से, मतलब जो दिक्सूचक यंत्र होता है। और फिर फारस का, फारस की मुद्रा मिली है, मीन्स फारस से ट्रेड होता था तो उसकी मुद्रा यहाँ पे मिली है। एक और कोई प्लेस मैंने लिखा है, सॉरी ध्यान नहीं आ रहा है, बाय द वे लिविंग। और मैं बात करूंगा धौलावीरा, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा मतलब धुलने से, और धुलने के लिए क्या चाहिए, पानी। मैं बताऊंगा कि इसका यूज कहां होगा। ठीक है, जेपी जोस ने इसका खोज किया, 1967 में खोज किया, नदी का पता नहीं। और ये प्लेस है गुजरात का कच्छ, कौन सा प्लेस है, गुजरात का कच्छ। और ये यहां से मिला क्या क्या है, तो मैं आपको पहले ही बताया कि धौलावीरा मतलब धुलना और धुलना का मतलब पानी। तो इसका मतलब यहां से साक्ष मिला है पानी के तकनीक का, वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण के तकनीक का साक्ष यहां से मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन का एकमात्र स्टेडियम मिला है कहां से, धौलावीरा से। तो खेल का मैदान एकमात्र इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिला है कहां से, धौलावीरा से। और यहां पे देखिए, यहाँ पे एक लिपि थी जिस लिपि में टोटल 64 मूल चिन्ह हुआ करती थी, जैसे इंग्लिश में 26 लेटर हुआ करते थे, वैसे ही सिंधु घाटी की सभ्यता में लगभग खोजे गए 64 मूल चिन्ह माने जाते हैं, जिसमें से 10 मूल चिन्ह जो थे वो हमारे पाए गए कहां से, धौलावीरा से। धौलावीरा से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दिमाग में इकट्ठा कर लीजिए। ठीक है, अब मैं बात करूंगा राखीगढ़ी की। राखीगढ़ी जो है इसका जो खोज सूरज भान ने किया 1969 में हुआ, और घग्गर नदी के किनारे है, और ये हिसार हरियाणा, हरियाणा का एक जिला है हिसार, यहाँ पे इसका वर्तमान प्लेस है। और मैं बता दूं कि जो राखीगढ़ी है ये शायद सबसे बड़ी एरिया वाइज प्लेस है, और उसके बाद 2012 में इसे ग्लोबल हेरिटेज फंड में नाम दिया गया है। क्वेश्चन आएगा ग्लोबल हेरिटेज फंड में कौन शामिल है, तो राखीगढ़ी है। ग्लोबल हेरिटेज फंड का मतलब ये होता है कि ऐसे हेरिटेज प्लेस, ऐसे धरोहर जो नष्ट होने वाले हैं, एशिया के टॉप 10 हेरिटेज में इसका नाम है। राखीगढ़ी को संरक्षित करने के लिए यहाँ से फंडिंग होती है, जिससे राखीगढ़ी को बचाया जा सके। अब मैं बात करूंगा बनावली। बनावली एक प्लेस है, और इसके जो खोजकर्ता है आरएस बीस्ट है, और कब हुआ, 1973 में हुआ, और जो नदी है वो है सरस्वती। और हरियाणा फतेहपुर जिला में एक प्लेस है, फतेहपुर जिला हरियाणा में पड़ता है, एक वहां से वर्तमान प्लेस इसका रिलेशन रखता है। एक मेरा फिर है आलमगीरपुर, मैं आपको बताया था कि आलमगीरपुर जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे पूर्वी प्लेस है। ठीक है, और सबसे पश्चिमी कौन है, सुदगाडोर है। इन दोनों प्लेस के बारे में जानिए, मैं आपको बताया था एक मांडा, ठीक है, मांडा कहाँ है, उत्तर में है, और दैमाबाद दक्षिण में है। ये चारों प्लेस आप ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो आलमगीरपुर है उसके जो खोजकर्ता है यज्ञदत्त शर्मा, और सन का पता नहीं, और जो नदी है वो हिंडन, जो नदी है वो हिंडन है, दिमाग अच्छे से ध्यान में रखिए। और जो इसका वर्तमान प्लेस है वो उत्तर प्रदेश के मेरठ में पड़ता है। ठीक है, सुदगाडोर, सुदगाडोर जो है ये कहाँ पड़ता है वर्तमान में, तो पाकिस्तान के मकरान प्लेस में पड़ता है, पाकिस्तान के मकरान। और जो जिला, जो नदी है दास नदी है, दास दास। ठीक है, इस तरीके से मैं पूरे प्लेस को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दिया। अब कुछ चीजें जो छूट गई हैं मैं उसको ओरली बोलता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक मिनट में पूछ लू कितना मिनट बोल रही हूँ, अच्छा 40। तो चलिए अभी मेरे पास टाइम है तो मैं और चीजों को इंट्रोड्यूस कराता हूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो रिलेटेड है। ठीक है, तो देखिए, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की अब लिपि की बात करेंगे, लिपि मतलब स्क्रिप्ट। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लिपि खोजी गई है उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, और इस लिपि को लिखा कैसे गया है, दाएं से बाएं, जैसे लिखी जाती है आपकी उर्दू, ठीक है, उल्टा लिखा जाता है दाएं से बाएं। और इसके लिपि को कई सारा नाम दिया गया है, तो आप इसको लिख लीजिए, पिक्टोग्राफ बोला गया है, नोट कीजिए पिक्टोग्राफ।
ठीक है, बुलेट मैं इसको नोट डाउन कर देता हूं, पिक्टोग्राफ। आप कुछ चीजें नोट कीजिए, पिक्टोग्राफ, ठीक है। देखिए पिक्टोग्राफ जो है चित्रात्मक शैली को बोलते हैं, मीन्स इनकी जो शैली है वो चित्र बना के रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया गया है, ठीक है। और इनके एक शैली का नाम है, इसी शैली को, इसको, इसकी लिपि को बोलते हैं गौमूत्र लिपि। क्या? गौमूत्र लिपि। एक्चुअली जब बैट ऑलरेट करती है तो ऐसे ऐसे थोड़ा रोटेट करके नीचे आता है, इनकी जो लिपि है वो भी ऐसे लहरिया के है, ठीक है, ऐसे लहरा के है, इसलिए गौमूत्र लिपि बोला गया है। और सर्पाकार लिपि भी बोला जाता है, सर्पाकार, सर्पाकार लिपि बोला जाता है क्योंकि जब सांप चलता है तो ऐसे लहर के चलता है। तो ये तीन चीजें रिलेटेड थी। और इनकी जो लिपि में जो टोटल लिपि वो पाई गई है, अल्फाबेट पाए गए हैं 64, मैं इसके पहले बता चुका हूं, 64 मूल चिन्ह पाए गए हैं जो कि इस लिपि से रिलेशन रखते हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड कोई चीज मेरे पास नहीं है। हाँ, दो चीजें और हैं, इस लिपि में दो आकार ज्यादा पाए गए हैं, यू शेप और मछली के आकार का। मछली ऐसे बनता है, अगर मैं मछली का फिगर बनाऊं तो एग्जैक्टली ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है। तो इसको मिटा दीजिए तो कुछ ऐसे शेप ज्यादा मिले हुए हैं यहाँ पे, तो यू और मछली आकार के बिल्कुल ज्यादा चीजें मिली हुई है। अब मैं इसमें कुछ और बातें करना चाहूं, जिसको और डेटा नोट करना है वो कमेंट करके बता देगा, बोलेंगे मैं इस वीडियो को फिर से रिप्रेजेंट कर दूंगा, उसमें बहुत सारी चीजें मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। अब तो दो तीन चीजें इसमें मैं लिखवाना चाह रहा हूं, उसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। हाँ, इनके पतन के बारे में एक क्वेश्चन आता है, तो इसमें दो तीन विद्वानों का मत है इनका पतन कैसे हुआ। तो गार्ड, चाइल्ड और व्हीलर, व्हीलर, ठीक है, गार्ड, चाइल्ड और व्हीलर, ठीक है, व्हीलर और गार्ड चाइल्ड का कहना है कि इनका वह आक्रमण या आर्यों के आक्रमण से पतन हो गया, मींस डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन किसकी वजह से हुआ। व्हीलर बोलते हैं कि आर्यों के आक्रमण से हुआ, एक मेन फैक्टर था जो मैं बताया, अब मैं उसी फैक्टर पे बात करूंगा क्योंकि वीडियो भी बस टाइम है, तो जो कि इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फिर इसमें कुछ और सुनिए, हाँ तो मैं आपको बता चुका हूँ, ये बता चुका, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने पढ़ता हूँ जिसका आपको आंसर देना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से मिलता है। उन्नत मीन्स वाटर कंजर्वेशन का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, मैं आपको बताया कि धौलावीरा से। धौला मतलब धोना, और धोना किससे होता है, पानी से। तो वाटर कंजर्वेशन मतलब जल तकनीक का जो साक्ष्य है वो मिला है धौलावीरा से, आंसर सही हो जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है, सिकंदरिया, महास्थानगढ़, लोथल, नागपट्टनम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोथल। लोथल क्या है, एक सबसे बड़ा पोर्ट है इंडस सिविलाइजेशन का। इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन और है, इसको भी देख लीजिए, ठीक है, एक मिनट मुझे टाइम दीजिए, मैं बात करता रहूंगा और मैं कुछ चीजें और आपको सुनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इनके धार्मिक जीवन के बारे में बात करूं तो इन लोग प्रकृति प्रेमी हुआ करते थे, नेचुरल लविंग हुआ करते थे, और इनकी जो सामाजिक थी वो मात्र सत्तात्मक थी, मीन्स महिलाओं का बहुत रेस्पेक्ट करते थे क्योंकि यहां से देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब समाज की व्यवस्था पूछेगा तो मात्र सत्तात्मक उसमें ऑप्शन होगा और उसको आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है। और आर्थिक जीवन में अगर कोई इसमें चीज रिलेटेड है तो आर्थिक जीवन में ध्यान रखिएगा कि ये व्यापार किया करते थे, ठीक है, और मेसोपोटामिया से इसका जिक्र भी मिलता है कि व्यापार करते थे। फिर उसके बाद इसमें आप कुछ चीजें अगर नोट करना चाहें तो, ठीक है, लगभग चीजें हो गई हैं। इसका शाम को भी वीडियो जाएगा प्रैक्टिस सेट का, वहां पर आपका सॉल्व हो जाएगा, इसमें ज्यादा मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, ठीक है। सामाजिक जीवन में क्या लिख सकते हैं, हाँ सामाजिक जीवन में एक दो तीन पॉइंट और मैं बता दूं कि शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी थे, और ये लोग फैशन करते थे क्योंकि चौंदरों से क्या मिला, लिपस्टिक और कंघी मिला है, तो इसका मतलब काफी संपन्न लोग थे इन लोग, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी चीजें इस वीडियो में मैंने आपको बताया, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा स्टोन एज पे, ठीक है, मे बी उसमें भी आपके एक दो पार्ट बने, जैसे वो कंप्लीट हो जाएगा वो चैप्टर फिर हम आपको क्या देंगे, उस पर प्रैक्टिस कराएंगे। ऐसे ही सभी कोर्स में हम कोशिश कर रहे हैं, बहुत लोग की इंक्वायरी जा रही है कि सर ये बताइए कि मुझे कैसे पढ़ाई करनी है, कौन सी बुक लेनी है। मैं आपको कितनी दफा बोल चुका हूं कि आप कोई भी एक बुक ले लीजिए रैंडम, कोई सीरियस नहीं, कोई भी एक बुक ले लीजिए रैंडम, अरिहंत का ही ले लीजिए, और साथ में एक आप ले लीजिए प्रैक्टिस सेट,
और कुछ नहीं लेना है। उसके बाद आप उस टॉपिक्स जो बुक लेंगे उसके कंटेंट में वो लेक्चर दिया हुआ है कि कौन कौन सा आपको टॉपिक पढ़ने हैं, और उस टॉपिक को आप चाहे यहां से पढ़ लीजिए, गूगल सर्च करके पढ़िए, उसके रिकॉर्डिंग कोई बुक अपने खुद से लेके पढ़िए। तो इस तरीके से आप खुद से अपनी स्टडी कर सकते हैं। हाँ, जिसको एकदम नहीं समझ में आ रहा है वो मेरे से कॉन्टेक्ट करे, वो मेरी नोट्स ले ले, वहां से स्टडी कर ले, लगभग उसका पर्याप्त प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को बच्चों पाठशाला चैनल में स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले उन सभी लोगों को धन्यवाद जिन्होंने अपना नाम और कोर्स डिटेल इनबॉक्स में या मुझे व्हाट्सएप या फिर कमेंट बॉक्स में सेंड किया है। ठीक है, लेकिन अब मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा अबाउट द फ्री क्लासेस ऑफ बीएचयू पाठशाला, जो बीएचयू एंट्रेंस के सभी कोर्स के लिए है। तो वो कब से स्टार्ट होगी और इसका विजन क्या है, क्या एम है, और इसके लिए आपको लिंक कैसे आपको मिलेगा। ठीक है, तो देखिए, जो स्टार्ट होने की क्लासेस की डेट है वो 15 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, 15 फरवरी से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। इसका जो विजन है, विजन ये है कि उन लोगों के लिए है जो लोग दूर हैं, जो क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते, ऑफलाइन मेरी क्लास नहीं ज्वाइन कर सकते, और वो फर्जी वाले ऑनलाइन परचेजिंग से बच सके दूसरे कोचिंग के, जो कि एक दो वीडियो अच्छा ढंग को दिखा के फिर उसके बाद वो जब वीडियो जब परचेजिंग कर लेते हैं तो उसके अंदर उनको सही डिटेल, सही मटेरियल, सही स्टडी मटेरियल उनको नहीं मिलता है। ठीक है, तो इन सब चीजों को देखते हुए मैंने अपना ये स्टार्ट किया है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा और हम इसका फायदा भी उठाएंगे। ठीक है, तो कोशिश यही कीजिए कि जो लोग भी अपना रजिस्ट्रेशन अभी नहीं कराए हैं वो प्लीज अपना नाम और कोर्स डिटेल मुझे व्हाट्सअप कर दे, और जिन लोगों ने इनबॉक्स में सेंड किया वो लोग भी मुझे व्हाट्सअप कर दे अपना नाम और कोर्स डिटेल, बस इतना ही सेंड करना है। ठीक है, और कुछ मैं सेंड कीजिएगा, बस नाम और कोर्स डिटेल अपना सेंड कर दीजिए, जिससे कि मैं आपको कुछ वीडियोज के लिंक शेयर कर सकूं और आप उस वीडियो को देख सकें। ठीक है, और आज से मैं एक और सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसमें बीएचयू एंट्रेंस के सभी कोर्स के सिलेबस पैटर्न, पेपर पैटर्न, ठीक है, टाइम ड्यूरेशन, मार्क्स, ये सभी चीजें होंगी। लगभग ये 5-6 सीरीज होंगी जिसमें आपको पूरे बीएचयू एंट्रेंस के बारे में पता चल जाएगा। लगभग 15 फरवरी से हम लोग पूरी क्लासेस प्रॉपर वे में आपको उपलब्ध करा देंगे। आप इस चैनल से बने रहिए आप। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।